चलिए बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में हम एक कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, प्रोराटा का कॉन्सेप्ट क्या होता है। मैं आपको बस ओनली एक मिनट में बता देता हूं कि प्रोराटा क्या होता है। प्रोराटा का केस एक ही टाइम पे जनरेट होगा जब मार्केट में मैंने शेयर्स जो रखे हैं वो कम है और लोगों ने जो अप्लाई किया है वो एप्लीकेशन हमें ज्यादा की रिसीव हुई है। मतलब कि ओवर सब्सक्राइब के केस में जो है वो प्रोराटा का केस जो है वो जो होता है जनरेट होता है। ठीक है, अब इसी पॉइंट को हम एग्जांपल के थ्रू एक बार समझते हैं और फिर करना स्टार्ट करते हैं। जैसे छोटे से मैं आपको तीन एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल समझना। मान लीजिए हमारी कंपनी है और मार्केट में हमने इश्यू करे हैं, कितने हमने मार्केट में इश्यू करे हैं, 10,000 शेयर्स। ठीक है, और लोगों ने सब्सक्राइब करा है कितना, लोगों ने सब्सक्राइब करा है 9,000 के लिए। तो इस कंडीशन में जो प्रोराटा का केस है वो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा अभी समझते हैं, इसमें प्रोराटा नहीं होगा। सेकंड केस मैं आपको बताता हूं, अगर मैंने मार्केट में इश्यू करे हैं कितने बच्चे, मैंने मार्केट में इश्यू करे हैं 10,000 शेयर्स, लोगों ने सब्सक्राइब करा है। जब पब्लिक ने सब्सक्राइब करा तो उन्होंने कितने के लिए कर दिया, 10,000 के लिए। तो इस कंडीशन में भी प्रोराटा का केस जो है वो नहीं बनेगा। क्यों, रीजन क्या है बच्चे? प्रोराटा का मतलब होता है कि जब हमारे पास जो डिमांड आती है शेयर्स की वो एक्सेस आ जाए। मैं मार्केट में बेचना चाहता हूं 10,000 शेयर्स, लेकिन जब लोगों ने डिमांड करी तो उन्होंने 10,000 से ज्यादा की डिमांड कर दी है, तो उस कंडीशन में हमारा प्रोराटा का केस आ जाता है। ठीक है, तो अगर वो अंडर सब्सक्राइब है या फुल्ली सब्सक्राइब है, इन दोनों ही केसेस में प्रोराटा का केस नहीं बनता। प्रोराटा का केस कब बनेगा, अगर मान लीजिए मैंने मार्केट में इश्यू करे हैं, ये हमारा थर्ड केस है, मैंने मार्केट में इश्यू करे हैं 10,000 और लोगों ने अगर मान लीजिए सब्सक्राइब करा है कितने के लिए, मैं मान के चल लेता हूं 18,000, लोगों ने अप्लाई कर दिया है 18,000 शेयर्स के लिए, तो इस कंडीशन में प्रोराटा का केस बनेगा। अच्छा, प्रोराटा का केस का मतलब क्या होता है, पॉइंट समझिएगा अपना। बच्चे अगर मैंने मार्केट में 10,000 शेयर्स रखे हैं और लोगों ने अप्लाई करा है 18,000 के लिए, तो किसी एक बंदे ने तो खरीदा नहीं होगा शेयर्स। मैं एग्जांपल पे मान के चल लेता हूं, अब हमें नहीं पता कितने लोगों ने खरीदा है, फिर भी मैं एक एग्जांपल मान के चल लेता हूं कि ये 18,000 शेयर जो है वो 3-4 लोगों ने मिलकर खरीदे हैं। मैं मान के चल लेता हूं कि एक पर्सन है, उस पर्सन ने कितने शेयर्स के लिए डिमांड करी है, उसने करी है 10,000 के लिए। एक पर्सन है ए, इसने कहा कि मुझे 10,000 शेयर्स दे दो। एक पर्सन है बी, इन्होंने कहा मुझे 5,000 शेयर्स दे दो। एक पर्सन है सी, इन्होंने कहा मुझे 3,000 शेयर्स दे दो। और इन तीनों को ही जब मैंने ऐड करा तो ये निकल के आ गया कितना, 18,000। मैंने मार्केट में रखे हैं 10,000 शेयर्स, लेकिन लोगों ने अप्लाई कितने के लिए कर दिया, तो लोगों ने अप्लाई कर दिया 18,000 के लिए। तो भाई 10,000 है तो मैं 18,000 शेयर्स तो दे ही नहीं सकता, तो इस कंडीशन में आ जाता है प्रोराटा का केस। बच्चे प्रोराटा का मतलब होता है, जो प्रोराटा वर्ड आया है वो प्रोपोर्शनेट वर्ड से आया है। उसका मतलब क्या होता है वो हम धीरे धीरे समझते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्योंकि भाई मैं जो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट कर सकता हूं लोगों को वो मैं कर सकता हूं 10,000, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। तो इसकी कंडीशन समझते हैं भाई। सबसे पहले मैं काम करता हूं कि मेरे पास 10,000 शेयर्स हैं और ये सारे के सारे शेयर्स मैं ए को दे देता हूं, मैं बी को कितने शेयर्स दूंगा नील और सी को कितने शेयर्स दूंगा नील, और ये कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा 10,000 शेयर्स मेरे पास से चला जाएगा। एक कंडीशन तो मेरे पास ये है। दूसरी कंडीशन मेरे पास क्या है भाई, दूसरी कंडीशन ये है कि मैं ए को कुछ शेयर्स दे दूं। समझना, मैंने क्या करा, पहली कंडीशन में ए को तो मैंने फुल्ली दे दिया, बी और सी को मैंने कुछ नहीं दिया। दूसरा समझना, दूसरा यह है कि मैंने ए को कितना करा, ए को मैंने दे दिए 5,000 शेयर्स, बी को मैंने कितने दिए, बी को मैंने दे दिए 4,000 शेयर्स, और मैंने सी को कितने करे 1,000 शेयर्स इसको दे दिए, टोटल कितना हो गया 10,000। दूसरा तरीका मेरे पास यह है कि मैं किसी को भी मना ना करूं। ए ने मांगे हैं 10,000, मैंने उसको दिए कितने, 5,000 शेयर्स। बी ने मांगे हैं 5,000 शेयर्स, मैंने उसको कितने दिए, 4,000 शेयर्स। सी ने मांगे हैं 3,000 शेयर्स, मैंने उसको कितने दिए हैं, 1,000 शेयर्स। एक तरीका मेरे पास ये है। ठीक है बच्चे, तो ये जो पॉसिबिलिटीज आ रही है इसको ही हम प्रोराटा के नाम से जानते हैं कि हम उसको प्रोपोर्शनेटली कैसे कैसे बांट सकते हैं लोगों के बीच में। एक बार और मैं बताता हूं, एक पॉइंट और समझना आप लोग। तीसरा इसका कंडीशन क्या हो सकता है, तीसरा ये हो सकता है कि किसी को मैं फुल्ली करूं। देखो यहां पे फुल्ली करा, दो को मैंने नील करा, यहां पे सबको मैंने प्रोपोर्शनेटली दे दिया। तीसरी कंडीशन में मैंने एक पर्सन को तो क्या करा,
मैंने एक पर्सन को प्रोपोर्शनेटली दिया यानी कि हाफ दिया, दूसरे बंदे को मैंने फुली दे दिया। फुली का मतलब इसने 5,000 मांगे तो 5,000, इसको 10,000 के बदले में 5,000, और जिसने 3,000 मांगे उसको मैंने एक भी शेयर नहीं दिया, तो ये भी कितना निकल के आ जाएगा, ये भी निकल के आ जाएगा 10,000। तो इस तरीके से करके हम कई सारी पॉसिबिलिटीज बनाते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोराटा। आई होप कि आपको इतना पॉइंट समझ में आया होगा। अब इसकी जब अकाउंटिंग एंट्री करते हैं तो उसमें कई बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। स्पेशली उसकी गड़बड़ कब होती है बच्चे, उसकी स्पेशली गड़बड़ तब हो जाती है जब कोई पर्सन हमें पैसे बीच में जाकर ना दे, यानी कि उसने एप्लीकेशन का पैसा तो दिया लेकिन उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो उस टाइम पे गड़बड़ हो जाती है। कैसे गड़बड़ हो जाती है थोड़ा सा यहां पे समझना थ्योरेटिकली, फिर आपको मैं क्वेश्चन के साथ समझाता हूं इधर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ए है, ए ने कितने शेयर्स की डिमांड करी, 10,000 की, ठीक है। मैंने इसको दिए कितने, 5,000 शेयर्स दे दिए, लेकिन भाई जब इसने 10,000 की डिमांड करी थी ना, तो मैंने इसको 5,000 शेयर्स दिए, जो इसका एक्स्ट्रा 5,000 शेयर का पैसा मेरे पास आया था उस पैसे को मैंने वापस नहीं करा, मैंने उस पैसे को रख लिया था कि मैं उस पैसे को अगली कॉल यानी अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दूंगा। बात समझ में? तो वो पैसा तो मैंने एडवांस के तौर पे रख लिया, लेकिन जब अलॉटमेंट की बारी आई और मैंने ए से कहा कि अलॉटमेंट के पैसे दो, तो उस टाइम पे ए ने मक्कारी कर दी। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये बनता है कि ए ने कितने पैसे की मक्कारी करी है, क्योंकि उसका कुछ पैसा तो एडवांस में आ चुका है और कुछ उसका रह गया होगा, ठीक है। तो इसी को हम क्वेश्चन के साथ समझते हैं, डिटेल में समझते हैं, ठीक है बच्चे। एक क्वेश्चन बनाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। समझना, अगर एक क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिया तो सारे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे और 8 नंबर के क्वेश्चन जो है उतने इजीली आपको समझ में आएंगे। मान लीजिए मैंने मार्केट में शेयर्स रखे हैं कितने, 10,000। सिंपल से एग्जांपल लेके चलते हैं। पहले मार्केट में इश्यू कराया है हमने कितना, मार्केट में इश्यू कराया है हमने 10,000। लोगों ने जो सब्सक्राइब करा है वो कितना करा है, लोगों ने सब्सक्राइब करा है 12,000 के लिए, ठीक है। अब हम यहां पे फेस वैल्यू रख लेते हैं कितनी, फेस वैल्यू हमने रख लिया है कितना, 100, और 100 को हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1, 2 एंड 3। हमने इसकी सबसे पहली कॉल की कीमत रखी 40, फिर हमने रखी 30 और फिर हमने रखी 30। आपको अच्छे से पता है इसका नाम है एप्लीकेशन, इसका नाम है अलॉटमेंट, इसका है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब मैं मान के चल लेता हूं, मैं मान के चल लेता हूं कि यहां पे एक पर्सन है, कौन, यहां पे एक पर्सन है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है मोहित। क्या, मोहित। मोहित के पास जो है, मोहित ने हमें अप्लाई करा था, क्या करा था, अप्लाई करा था कितने शेयर्स के लिए, लेट्स से इसने अप्लाई करा था 600 शेयर्स के लिए। इसने एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, और क्वेश्चन यहां पर फिनिश हो गया, ठीक है। अब हम इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। मैं फिर से आपको क्वेश्चन एक बार रिपीट करता हूं, फिर आगे करते हैं। भाई मैंने मार्केट में कितने शेयर्स रखे हैं, 10,000। लोगों ने अप्लाई कितने के लिए करा है, 12,000 शेयर्स के लिए है। अब ये 12,000 के अंदर कितने बंदे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आगे की अब सारी चीजें हमारी थोड़ी अजम्पशन चलती हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये 12,000 शेयर्स के लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया है, लेकिन हम एक अजम्पशन ये मान के चलते हैं कि लोगों ने जितने भी शेयर्स मांगे उसको हमने एक रेशियो में शेयर्स अलॉट किए हैं, है ना बच्चे। सब्सक्राइब का मतलब होता है कि लोगों ने अप्लाई करा है 12,000 के लिए, और इशू कितना है हमारा, 10,000। अगर लोग अगर 12,000 शेयर्स मांग रहे हैं तो क्या हम उनको 12,000 शेयर्स दे सकते हैं, नहीं, हम 12,000 शेयर्स नहीं दे सकते हैं। हम कितने शेयर्स दे सकते हैं, हम 10,000 शेयर्स दे सकते हैं, यानी कि जब लोगों ने 12,000 शेयर्स मांगे अप्लाई करे तो हमने उनको अलॉट कितने करे, बहुत अच्छे से पॉइंट को समझना, 12,000 के अगेंस्ट में हमने 10,000 अलॉट कर दिए। इसका सिंपल मीनिंग यह निकलता है कि जिसने 12 शेयर्स मांगे हैं, जिस पर्सन ने 12 शेयर्स मांगे हैं उसको मैंने 10 शेयर्स दिए हैं, ठीक है। 12,000 के अगेंस्ट में 10,000, तो 12 शेयर के अगेंस्ट में कितना हो जाएगा, 10 शेयर्स हो जाएंगे, ठीक है। आप इस तरीके से रेशियो इसका निकाल सकते हो, 12,000 इज टू 10,000, ठीक है।
जीरो से जीरो कट गए, यानी कि जिसने 12 शेयर्स के लिए डिमांड करी है उसको मैंने कितने शेयर्स दिए हैं, 10। आप इसको और ब्रेक कर सकते हो, आप ये कह सकते हो कि जिस पर्सन ने 6 शेयर्स मांगे होंगे उसको हमने 5 शेयर्स दिए हैं। आई होप कि आपको इतना पॉइंट समझ में आएगा। अच्छा सर, किसी ने अगर मान लीजिए 24 शेयर्स मांगे होंगे, अब आप इसकी मल्टीप्लाई जितने से करेंगे उतने से ही इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ज्यादा डिटेल में नहीं जाइएगा, शॉर्ट में समझिए, इजिली समझिए कि ये क्या है हमारा, ये है अप्लाइड, अप्लाइड का मतलब लोगों ने मांगा कितने शेयर्स, और ये है हमारा अलॉटेड, यानी कि मैंने उनको दिया कितना, लोगों ने इतने के लिए अप्लाई करा तो मैंने उनको इतना अलॉट कर दिया, ठीक है। अच्छा बच्चे, यहां पे वर्ड लिखा है क्या, अप्लाई, अप्लाई का मतलब क्या होता है बच्चे, अप्लाई का मतलब है कि मोहित ने 600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, मोहित ने 600 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, यानी एप्लीकेशन फॉर्म भरा था भाई, उसने मांगे थे 600 शेयर्स, मैंने उसको दिए कितने शेयर्स होंगे, ये पॉइंट हमको निकालना होगा। कैसे निकालना होगा वो क्वेश्चन के साथ हम देखेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले जर्नल एंट्री स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहली एंट्री हमारी क्या आती है सर, सबसे पहली एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अमाउंट कितना रहेगा सर, लोगों ने 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा है और जब उन्होंने अप्लाई करा तो 40 रुपए के हिसाब से हमें पैसे दे दिए, कितना, 4,80,000, 4,80,000। आई होप कि आपको इतना पॉइंट समझ में आया होगा, हम इस चीज को पहले भी डिटेल में समझ चुके हैं पहले की वीडियोस में, पहले की क्लासेस में, ठीक है। अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्या, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इस पॉइंट को समझते हैं। जैसा हमने पहले करा था बिल्कुल एज इट इज जाएगा क्वेश्चन, कुछ भी चेंजेस नहीं है। 4,80,000 कैपिटल में कितना पैसा आएगा सर, अगर हमारे पास 10,000 शेयर्स है तो 12,000 शेयर्स तो हम दे ही नहीं सकते, तो हम मालिक सिर्फ 10,000 को ही बनाएंगे, ये पॉइंट हम पहले ही समझ चुके हैं डिटेल में। 10,000 इंटू 40 रुपए के हिसाब से कितना आ जाएगा, 4,00,000 रुपए आ जाएगा, ठीक है। अच्छा कितने शेयर्स की एक्स्ट्रा डिमांड आई है सर, 2,000 शेयर्स की एक्स्ट्रा डिमांड आई है, तो बच्चे जो 2,000 शेयर्स पे एक्स्ट्रा डिमांड आई है कितने रुपए से आई है सर, 40 रुपए के हिसाब से आई है, तो 2,000 शेयर्स पे 40 के हिसाब से जो एक्स्ट्रा डिमांड आई है उसको हम शेयर अलॉटमेंट पे ट्रांसफर कर देते हैं, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 80,000 रुपया। आई होप कि आपको इतना पॉइंट समझ में आया होगा बच्चे, ये सारी चीजें जिसने पहली वीडियो नहीं देखी होगी पहले आप वो देख लीजिएगा, ठीक है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, पहले आप वो वीडियो समझिएगा उसके बाद यहां पे आइएगा, अदरवाइज ये एंट्रीज आपको थोड़ा परेशान कर सकती हैं अगर आपको स्टार्टिंग से ये चैप्टर नहीं आता है तो। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ जाता है तो अब अगले पॉइंट पे हम आते हैं, अगली एंट्री हमारी क्या बनेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना आ जाएगा अमाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हमने लोगों से 10,000 शेयर पे पैसे मांगे हैं, अलॉटमेंट की कीमत है 30 रुपए, हमने लोगों से कहा 10,000 शेयर्स पे आप हमें 30 रुपए के हिसाब से 3,00,000 रुपए दे दीजिए, कितने, 3,00,000 रुपए दे दीजिए, हमने लोगों से मांगा तो उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, जब लोग हमें पैसा देंगे तो हम एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंट कितना आ जाएगा, अब इस पॉइंट को समझना बच्चे, 3,00,000 रुपए मैंने मांगे हैं जिसमें से अलॉटमेंट का ऑलरेडी 80,000 मुझे मिल चुका है, तो मैं 80,000 रुपए यहां से माइनस कर दूंगा, प्लस अब आगे एक और पॉइंट समझना, प्लस का मतलब है एक और पॉइंट, मोहित ने अप्लाई करे हैं 600 शेयर्स के लिए और उसने हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, तो अब हमें इसकी भी कैलकुलेशन करनी होगी, इस पॉइंट को हम यहां पे समझते हैं, ठीक है भाई। मोहित ने अप्लाई करा है, अप्लाई का मतलब क्या है कि मोहित ने 600 शेयर्स मांगे थे, तो बच्चे ये मांगने वाली लिस्ट कहां पर है सर, मांगने वाली लिस्ट ये है, पॉइंट को समझना जो मैं आपको समझाऊंगा, ये क्या है, 10,000 शेयर्स है कि हम इतने शेयर्स दे सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है, एक पॉइंट और आप अच्छे से समझना, अगर कुछ भी हमें गिवन नहीं है, हमें इश्यूड लिखा है 10,000, सब्सक्राइब है 12,000, तो हम मान के चलते हैं कि 12,000 के अगेंस्ट में हमने 10,000 दिए, यानी कि अप्लाइड कितना है 12,000 और अलॉटेड कितना है 10,000, मैं इसको यहां पे लिख देता हूं,
कि 12,000 जो है ये तो है अप्लाइड और ये जो 10,000 है ये है अलॉटेड। अप्लाइड का मतलब 12,000 शेयर्स मांगे हैं तो उसको मैंने कितने शेयर्स अलॉट करे हैं, 10,000 करे हैं। उसका मतलब कोई सिंगल पर्सन नहीं है, ये पूरा ग्रुप है, कई सारे लोगों ने मिलकर 12,000 शेयर्स मांगे हैं। अप्लाई का मतलब मांगा है और अलॉट का मतलब दिया है। अब इस पॉइंट के अंदर एक पॉइंट समझना भाई, इस 12,000 के अंदर एक पर्सन है मोहित जिसने अप्लाई करा था 600। भाई अगर 12,000 के अगेंस्ट में 10,000 है तो 600 के अगेंस्ट में मैंने उसको कितने शेयर्स दिए होंगे। आपको सिंपल ये पॉइंट निकालना है। हमें निकालना क्या है भाई, हमको पता है अप्लाइड, अप्लाइड पता है 600 शेयर्स। हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मोहित के बारे में, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है अलॉटेड। अब एक पॉइंट समझना आप मेरा, यहां पे लिखना 600 इज इक्वल टू 600 नहीं है, ये अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। आप इस पॉइंट को समझना, अप्लाइड कितने हैं 600 शेयर्स, हमें निकालना क्या है अलॉटेड। तो बच्चे जो पॉइंट हमें गिवन है सबसे पहले वो रखेंगे और इसको हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड किससे कर देंगे बच्चे, हमें गिवन क्या है सर, हमको ना अप्लाइड गिवन है। अगर अप्लाइड गिवन है तो आप अप्लाइड से क्या करोगे डिवाइड, और अप्लाइड कितना है हमारा, टोटल अप्लाइड है 12,000। बच्चे ने जो अप्लाइड है ना उसको टोटल अप्लाइड से आप क्या कर दोगे डिवाइड। हमें निकालना क्या है अलॉटेड। बच्चे जो चीज हमको गिवन रहती है उससे तो हम क्या करते हैं डिवाइड, और जो चीज फाइंड आउट करनी होती है उससे हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा 10,000, ठीक है। अभी मैं आपको इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं। यहां से आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करके आ जाएगा 500 शेयर्स, ठीक है। यानी कि जिसने 600 शेयर्स मांगे थे उसको हमने 500 शेयर्स क्या करे हैं अलॉट करे हैं। इस कैलकुलेशन को मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूं, जिसे समझ में आ गया अच्छी बात, जिसे पहले से आता था और भी अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है। आप सारे क्वेश्चन को दिमाग से निकाल दीजिए और मेरे एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर कीजिए। आपने मे बी कभी इसको फेस करा होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन ये है कि ₹30 इज इक्वल टू 5 पेंस, 30 रुपए के 5 पेन है, तो आप मेरे को 2 पेन की कीमत बता सकते हैं, 2 पेन की कीमत कितनी होगी, ठीक है। आप प्लीज इसको कैलकुलेट करिए, अगर आप इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो तो ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। पहले आप इसको कैलकुलेट करिए, उसके बाद मेरी बात समझना, ठीक है, और वीडियो को वहीं पे पॉज कर देना। अब मैं आपको बताता हूं, आप में से कई बच्चों ने इसका आंसर निकाल लिया है और उन्होंने बता दिया सर इसका आंसर आएगा 12, इसका आंसर आएगा ₹12, ठीक है। अब उन्होंने करा क्या है, उनकी माइंड ने कैलकुलेशन करी है, उनकी माइंड ने क्या कैलकुलेशन करी है बच्चे, उनकी माइंड ने कैलकुलेशन ये करी है कि जो 30 रुपए है, जो 30 रुपए है ये 5 पेन की कीमत है, जो चीज गिवन है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। पॉइंट समझना, जो 30 रुपए है ये 5 पेन की कीमत है, तो 5 से हम डिवाइड कर देते हैं, 1 पेन की कीमत निकल के आ जाएगी, और जब 1 पेन की कीमत निकल के आ जाएगी तो उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह 2 पेन की कीमत निकल के आ जाएगी। आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6, और 6 × 2 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 12। आपको पता भी नहीं चला और आपके माइंड ने ये कैलकुलेशन कर दी। ठीक उसी तरीके से ये कॉन्सेप्ट हमने यहां पे अप्लाई करा है। कैसे करा है भाई, अप्लाई कितने हैं, 600 शेयर्स अप्लाई है। जब 12,000 के लिए अप्लाई करा तो 10,000 मिले, तो 600 के अगेंस्ट में कितना मिला होगा, तो उसके लिए सिंपल सा आपको करना है, क्या करना है, जो 600 है ये 600 किसके अंदर कवर होता है, 12,000 के अंदर, तो जिसके अंदर कवर हो रहा है उससे तो आप कर दो डिवाइड, और जो चीज फाइंड आउट करनी है उससे आप कर दीजिए मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये निकल के आ जाएगा आपका कितना, 500 निकल के आ जाएगा अलॉटेड। अलॉटेड का मतलब मैंने उसको दिए कितने शेयर्स हैं, 500 शेयर्स दिए हैं। उसने मांगे कितने शेयर्स हैं, मांगे थे 600 शेयर्स, मैंने दिए कितने हैं, 500 शेयर्स, ठीक है। अच्छा सर, इस कैलकुलेशन से अब हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, इस कैलकुलेशन से क्या बेनिफिट मिलेगा, अब हम वो समझते हैं। समझिएगा, ये वर्किंग नोट का पार्ट है। जब मोहित ने 600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा तो मोहित ने 600 शेयर्स पे मेरे को एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय 40 रुपए के हिसाब से पैसा दिया होगा, यानी कि कितना दिया होगा, 24,000 रुपए उसने मेरे को दिए होंगे। आई होप कि आपको इतना पॉइंट समझ में आ गया होगा। जब मोहित ने 600 शेयर्स के लिए अप्लाई करा
तो ₹40 एप्लीकेशन फॉर्म के साथ उसने अप्लाई करा होगा, 600 शेयर्स पे उसने ₹40 के हिसाब से 24,000 शेयर्स दिए। फिर मैं गया मोहित के पास और मैंने मोहित से कहा कि देख भाई 600 शेयर्स हमारे पास नहीं है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 500 शेयर्स हैं और मैं आपको खाली 500 शेयर्स दे सकता हूं और उस पे मैं आपके एप्लीकेशन की कीमत है ₹40 के हिसाब से पैसे काट लेता हूं, कितना? ₹20,000। मैंने ₹20,000 तो काट लिए, किस बात के? एप्लीकेशन के पैसे मैंने ये डिडक्ट कर लिए। अब बच कितने गए? ₹4,000। मैंने मोहित से कहा कि भाई एक बात सुन, तूने 24,000 दिए हैं, मैंने तेरे ₹20,000 काट लिए हैं, ठीक है ना? अभी तेरे को अलॉटमेंट के भी पैसे देने हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के भी पैसे देने हैं, तो जो भी तेरा एक्स्ट्रा पैसा मेरे पास है ना, यानी कि ₹4,000, ये मैं तेरे को वापस नहीं करता हूं, इसको मैं ना अगली कॉल पर एडजस्ट कर देता हूं। मैं क्या काम करूंगा, इस 4,000 को ना ये अलॉटमेंट का जो पैसा है वहां पर एडजस्ट कर दूंगा, ठीक है? ये पॉइंट मेरी, ये सब बातें किससे हुई? मोहित से हुई। मोहित ने कहा ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब अलॉटमेंट की बारी आ गई है, देखो हमने एंट्री भी पास करी है ना। अब जब अलॉटमेंट की बारी आई तो मैंने मोहित से कहा, देख मोहित भाई तेरे पास 500 शेयर्स हैं, तूने 600 मांगे थे, मैंने 500 दिए थे और 500 के हिसाब से पैसे काटे थे, अब अगली कॉल आ गई अलॉटमेंट, मैंने तेरे को 500 शेयर्स दिए हैं, अब तू 500 शेयर्स पे हमें कितने रुपए के हिसाब से, अलॉटमेंट की कीमत है ₹30, ये टोटल कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 15,000 हमें दे दे। मोहित क्या कहेगा कि 15,000 किस बात के दूं, ₹4,000 ऑलरेडी मैं एडवांस पे कर चुका हूं, पहले वो डिडक्ट करो। हमने कहा हाँ हाँ सॉरी, गलती हो गई, भूल गए थे। हमने कहा ठीक है, ये लो 4,000 हमने काट दिए, निकालो, अब ₹11,000 हमको दो। लेकिन मोहित ने कहा नहीं, तुम झूठ बोलते हो, हम तुमको ₹11,000 नहीं देंगे, और उसने हमें 11,000 नहीं दिया, ठीक है? तो टोटल पैसा मुझे कितना नहीं मिला अलॉटमेंट पे भाई, 3,00,000 हमने मांगे थे, जिसमें से 80,000 तो हमको एडवांस मिल चुका था और मोहित ने 11,000 दिए नहीं, ठीक है? जो एडवांस मिल चुका था वो भी हमको नहीं मिलेगा और जो मोहित ने नहीं दिया वो भी हमको नहीं मिलेगा। तो अब हमें टोटल अमाउंट मिलेगा कितना? 3,00,000 में से 80 गए, 2,20 में से 11 जाएंगे, 2,09,000। आई होप कि आपको पॉइंट समझ में आया होगा। अब आते हैं हम किस पे, अब आते हैं हम फाइनल कॉल पे। फाइनल कॉल की एंट्री क्या बनेगी, कैसे बनेगी, समझना बच्चे। फाइनल कॉल की एंट्री हमारी बनेगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा बच्चे? अमाउंट आएगा, मैंने सिर्फ 10,000 शेयर्स मार्केट में बेचे हैं और अगली कॉल की कीमत है ₹30, मैंने लोगों से ₹3,00,000 मांगे। जब लोगों ने मुझे पैसे दिए, क्या सर मोहित है, मोहित के पास उसने अप्लाई करा था 600, लेकिन मैंने इसको शेयर्स जो दिए हैं वो दिए हैं 500, इसके पास 500 शेयर्स हैं और 500 शेयर्स पे इसने अगली कॉल के भी पैसे नहीं दिए। यानी कि जब हम बैंक की एंट्री पास करेंगे, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, तो कितना लिखेंगे हम? लिखेंगे 3,00,000 माइनस, 3,00,000 में से हम माइनस कर देंगे कितना? 500 शेयर्स है मोहित के पास, ₹30 के हिसाब से उसने पैसे नहीं दिए, यानी कि उसने कितने रुपए नहीं दिए? 15,000 नहीं दिए, ठीक है? तो 3,00,000 पे 15,000 नहीं मिले, तो हमें मिला कितना है? हमें मिला है 2,85,000। आई होप कि आपको पॉइंट समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आएगा। इनकेस आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो जो भी आपका डाउट है आप प्लीज उसको मेरे को बताइएगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में मैं आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करा रहा हूं, सिर्फ ये एक क्वेश्चन था, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मैं ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, अभी तो मैंने खाली एक ही एग्जांपल लिया कि 10 के बदले में 12 थे। अगली क्लासेस में हम उसके कई सारे अलग अलग केसेस पढ़ेंगे। जब मैंने आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ के पैसे हमने वापस कर दिए, कुछ को अलग शेयर्स दिए, कुछ को अलग शेयर्स दिए, तो ऐसी कई सारी कंडीशंस क्रिएट करेंगे और उसको हम समझेंगे, ठीक है? आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं थोड़े और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ।